वेलकम टू सोशल। लाल सिंह चड्ढा से मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बिकॉज फर्स्ट ये हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम का रीमेक है, कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं, एक ऑस्कर विनिंग फिल्म। सो इट एक्सप्लेन्स कि इसके राइट मिलने कितने मुश्किल हुए होंगे। सेकेंड रीजन, आमिर जो भी फिल्म करते हैं इट ऑलरेडी क्रिएट्स अ लॉट ऑफ बज, क्योंकि वो हर फिल्म में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और बहुत टाइम लेते हैं अपनी फिल्म्स बनाने को। सो मैं ऑलरेडी काफी एक्साइटेड था कि फिल्म इवेंचुअली कैसी होगी। माय नेम इज विशाल, आल्सो नोन एज वी, एंड दिस इज माय रिव्यू ऑफ लाल सिंह चड्ढा। बाय द वे, आप सबने देखा होगा कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो ऐसे बनाया था जहां मैंने आमिर खान और लाल सिंह चड्ढा के अगेंस्ट जो हेट फैलाई जा रही है उसके बारे में एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव दिया था। बट दैट डजंट मीन कि मेरा फिल्म को देखने का नजरिया या ओपिनियन थोड़ा बायस होगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरे घर की फिल्म थोड़ी रिलीज हुई है जिसको मैं ऐसे प्रमोट करूं या ऐसे सेलिब्रेट करूं कि ओ इससे अच्छी फिल्म नहीं हो सकती। फैंस ऑफ दिस चैनल ऑलरेडी नो कि हाउ सिनेमैटिकली आई जज फिल्म्स। मैं उन रिव्यूअर्स में से नहीं हूं जो फिल्म के रिलीज होने से पहले ही अपना ओपिनियन बना लेते हैं एक्टर और उसकी फिल्म के बारे में। मैं बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीज़ों को देखता हूं और मेरे रिव्यूज हमेशा सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। सो दैट इज़ व्हाई आई कॉल माई रिव्यूज़ सिनेमैटिक ऑनेस्ट रिव्यूज़। इस रिव्यू में मैं फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट्स, परफॉर्मेंसेज एंड इवन ओरिजिनल हॉलीवुड फिल्म को ध्यान में रख के रिव्यू करूँगा। सो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर वन, मदर एंड सन रिलेशनशिप। काफ़ी टाइम बाद एक ऐसी हिंदी फिल्म आई है जहाँ एक मदर एंड सन का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से एम्फोसिस करके दिखाया गया है। मोना सिंह हैज़ एक्टेड ब्रिलियंटली एंड डेफिनेटली ये मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी पूरी फिल्म में। लाल के जो चाइल्डहुड सीन्स हैं उनके साथ वो बहुत पावरफुल हैं। वो सीन आपको एक्चुअली काफ़ी इमोशनल करेंगे, एट द सेम टाइम दे विल मेक यू रिलेट टू द कैरेक्टर्स। लिटरली इंडियन मॉम्स का पोर्ट्रेयल बिल्कुल यही होता है रियल लाइफ में भी। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से ये रिलेशनशिप फिल्म में दिखाया गया है। शाउट आउट टू द चाइल्ड एक्टर जिसने लाल सिंह चड्ढा का यंगर वर्जन प्ले किया है। बहुत ही प्यारे एक्सप्रेशंस दिए हैं इस चाइल्ड एक्टर ने। मायसेल्फ लाल सिंह चड्ढा, मायसेल्फ रूपा, रूपा डिसूजा। उस दिन से हम दोस्त बन गए जी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर टू, डिपिक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। फॉरेस्ट गम की जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत मैटर करते हैं फॉरेस्ट के कैरेक्टर के लिए। उस फिल्म में बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स को दिखाया जाता है और वो फिल्म के बेस्ट सेक्शंस थे। वही लाल सिंह चड्ढा में इस नैरेटिव को बहुत ही ब्रिलियंट वे में एग्जीक्यूट किया गया है, जहां आपको इंडिया के कई हिस्टोरिकल इवेंट्स देखने को मिलते हैं। कारगिल वॉर और ऑपरेशन ब्लू स्टार वाले सीन तो मेरे डेफिनेटली फेवरेट थे। सो दैट मींस राइटर्स ने बहुत ऑथेंटिकली फॉरेस्ट गंप की स्टोरी को इंडियन वे में अडेप्ट किया है, एंड दैट इज वाई आई थिंक स्टोरी के मामले में दिस इज अ गुड रीमेक टू द ओरिजिनल। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर थ्री, म्यूजिक एंड साउंड डिजाइनिंग। मैं यूजुअली म्यूजिक की इतनी बात नहीं करता, पर मैंने फिल्म देखते हुए रियलाइज किया कि जिस तरह की इनोसेंस लाल के कैरेक्टर में दिखाई जाती है बिल्कुल उसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिल्म का म्यूजिक बनाया गया है। इट रियली ब्लेंड्स वेल विद द स्टोरी। पूरी फिल्म में जो मेरा फेवरेट ट्रैक है और वो एक्चुअली फिल्म में सबसे पहले आता है वो है कहानी। मुझे ये गाना बहुत ही अमेजिंग सी और बहुत ही स्वीट सी वाइब देता है, दैट रियली कनेक्ट्स मी टू द नैरेटिव ऑफ द फिल्म। इसके अलावा फिल्म की साउंड डिजाइनिंग बिल्कुल टॉप नॉच है। आपको नोटिस करनी चाहिए इसकी साउंड डिजाइनिंग इन द हिस्टोरिकल इवेंट्स, लाल सिंह चड्ढा के भागने वाले सीन्स, टू हिज डेज इन द आर्मी। मैं आपको पहले बता दूं कि फिल्म इमोशनली बहुत हैवी है कुछ पार्ट्स में, सो वहाँ पे साउंड डिजाइनिंग बहुत मैटर करती है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर फोर, कॉमेडी। बहुत दिनों से थिएटर में बैठ के क्राउड के साथ ह्यूमर इन्जॉय करना मैं मिस कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी फिल्म्स में तो क्राउड ही नहीं आता है। एटलीस्ट लाल सिंह चड्ढा को देखने पूरा हाउसफुल क्राउड आया था और हम सब ने एक साथ पूरे सीन्स को इन्जॉय किया। सबसे ज़्यादा फनी सीन्स तो नाग चैतन्य के कैरेक्टर बाला के थे। उनके चड्डी बनियान वाले जोक्स और वो पूरा नरेटिव बहुत ही अमेजिंग था और पूरा थिएटर उन सीन्स पे हंस रहा था। एंड उसके बाद लाल का कैरेक्टर इतना इनोसेंट, तो आपको उसकी सिचुएशंस भी बहुत ह्यूमरस वे में दिखाई जाती हैं। सो इस फिल्म में वो फैमिली फ्रेंडली वाली टाइप की कॉमेडी है जहाँ हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं से थोड़ा फनी हो ही जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर फाइव, आमिर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेस्ट गम्स कैरेक्टर। ओके, इस पॉइंट पे मेरे और आपके बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, विच इज़ टोटली फाइन, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के आमिर की एक्टिंग को लेके काफ़ी मिक्स ओपिनियंस हैं। बट आई पर्सनली लाइक द वे जिस तरह से आमिर ने फॉरेस्ट के कैरेक्टर को अडेप्ट किया है। आपको समझना होगा कि जब टॉम हैंक्स ने ये रोल प्ले किया था 27 साल पहले, तब ये कैरेक्टर खुद अनकम्पेरेबल था किसी और फिल्म के कैरेक्टर से, और हैंक्स ने अपनी ही तरह से इस रोल को प्ले किया था, फॉर विच ही वन द ऑस्कर। वहीं आमिर ने इस रोल को एग्जैक्टली टॉम हैंक्स की तरह नहीं प्ले किया है। उन्होंने कुछ चीज़ें तो बहुत सेम रखी हैं, वो ज़रूरी भी थी बिकॉज उस कैरेक्टर को उनको ट्रिब्यूट देना था, पर कुछ चीज़ें उन्होंने बिल्कुल चेंज की हैं जो डेफिनेटली आमिर का अपना ओरिजिनल एक्टिंग स्टाइल है।
क्योंकि फॉरेस्ट के कैरेक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी उसकी इनोसेंस। आमिर वो इनोसेंस लाल के कैरेक्टर में भी लेके आते हैं। अगर आपको उनकी एक्टिंग जज करनी है तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आप उन्हें एज आमिर खान देख रहे हो या लाल सिंह चड्ढा। अगर आप उन्हें एज लाल सिंह चड्ढा देख रहे हो पूरी फिल्म में, दैट मीन्स ही हैज़ डन अ फाइन जॉब। मेरे ओपिनियन में इस तरह के इनोसेंट से कैरेक्टर्स प्ले करना बहुत प्रिटेंशियस लगता है स्क्रीन पे, पर आमिर एक्चुअली में काफ़ी मेहनत करते हैं उस इनोसेंस को नेचुरल दिखाने के लिए। मेरा फेवरेट सीन फिल्म में तब आता है जब लाल इमोशनल हो जाता है रूपा से एक कैरेक्टर के बारे में पूछते हुए। उस सीन में आमिर की इमोशनल इंटेंसिटी देख के इट रियली शोड मी हाउ वेल ही हैज़ ट्राई टू एक्ट इन दिस फिल्म। बाकी मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपका और मेरा ओपिनियन इस पर डिफरेंट भी हो सकता है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट ओवरऑल आई रियली लाइक द वे आमिर खान हैज़ अडेप्टेड फॉरेस्ट गम्स कैरेक्टर। मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही भर जावे, मन नहीं भरता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि फिल्म में क्या बेटर हो सकता था। नंबर वन, करीना एज रूपा। सी रूपा का कैरेक्टर बहुत अच्छे से अडेप्ट किया गया है एंड करीना ने भी एफर्ट्स लगाए हैं टू पुल ऑफ दिस रोल, पर मुझे ऐसा लगता है कि करीना की परफॉर्मेंस में कोई न्यूनेस नहीं है। ऐसा लगता है कि मैंने ये सेम इमोशनल परफॉर्मेंस कितनी बार उनकी फिल्म्स में देखी है, सो आई रियली फेल्ट कि उनकी एक्टिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी। नाउ वन इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म विच आई फील कुड हैव बीन बेटर वॉज फिल्म का सेकेंड हाफ। सी फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही अमेजिंग था, लिटरली लोगों ने उसको इतना इन्जॉय किया था, इमोशनल सीन्स पे पूरा थिएटर साइलेंट हो गया था और इंटरवल भी इतना हाई नोट पे होता है कि लिटरली कुछ लोग थिएटर में तालियां बजा रहे थे। सो जब इतना स्ट्रॉन्ग फर्स्ट हाफ हो तो सेकेंड हाफ से बहुत एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, पर सेकेंड हाफ कभी भी फर्स्ट हाफ की ब्रिलियंस अचीव नहीं कर पाता। सो कंपेयरिंग माई एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग आमिर खान फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जितनी फिल्म आज तक हिट हुई हैं उनके सेकेंड हाफ बहुत ज़्यादा एकदम से एलिवेट हो जाते हैं एंड ऑडियंस इज लाइक शॉक्ड कि ये क्या हो गया एंड दे आर फुल इन टू इमोशंस। लाल सिंह चड्ढा में भी चीज़ें एलिवेट होती हैं पर उस इंटेंसिटी से नहीं, सो दैट इज़ वाई आई फील सेकेंड हाफ कहीं ना कहीं इस फिल्म का वीक पॉइंट भी है। वीडियो खत्म करने से पहले आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ अ गुड फिल्म, स्पेशली इट इज़ अ गुड रीमेक। आमिर की वो एपिक फिल्म्स लाइक दंगल, थ्री इडियट्स लेवल की तो ये फिल्म नहीं है, पर ओवरऑल ये एक वेल मेड और अच्छे इंटेंशन से बनाई गई फिल्म है। डेफिनेटली इट्स अ टोटली आमिर फिल्म जो शायद आज के माहौल में उतनी पसंद ना की जाए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ना कि आजकल माहौल किस तरह का चल रहा है। मैं भी किसी को मूवी देखने के लिए फोर्स नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो ब्रेन वॉश लोग आके कहेंगे अरे पेड रिव्यू बायस रिव्यू करता है ला ला ला। आप लोगों का अपना दिमाग है, आप जानते हो कि सिनेमा क्या होता है, सिनेमा का एक्सपीरियंस क्या होता है, सो यू मेक योर ओन ओपिनियन एंड गो एंड वॉच इट इफ़ यू वॉन्ट, एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू वॉच इट कम्प्लीटली ओके। ऑल राइट, ये तो था मेरा रिव्यू ऑफ लाल सिंह चड्ढा। मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एट विशाल एंड सिनेमा, जहाँ मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई रिव्यूज़ यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल।